हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम का पूछा जाता है और उसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, वो आप लोग ध्यान रखना, उसको आप लोग याद रखना। कभी भी हमारे पास कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इक्वेशन नहीं, अगर अपने पास ऐसा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास फंक्शन है एक। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई। अब हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ने की, सीखना, कोशिश करना सीखने की। यदि अपने पास ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से ए कॉमन ले सकते हो आप लोग। ए कॉमन लोगे तो यहां पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या बचेगा, बी बाई ए एक्स, और यहां पर क्या बचेगा अपने पास, सी बाई ए। जहां से जो चीज कॉमन लेते हो, और अगर नहीं है तो यहां से ए कॉमन लिया तो बी अपॉन ए, हम बोलेंगे ऊपर और नीचे ए से डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला ए कॉमन ले लिया, नीचे वाला बचा रह गया। यहाँ तो ए है ही नहीं, ऊपर नीचे ए से इंटू किया, ऊपर वाला ए कॉमन ले लिया और नीचे वाला बचा रह गया। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए इंटू अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस, इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, बी, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, टू से इंटू कर रहे हैं और साथ टू से डिवाइड भी कर रहे हैं, इंटू अपने पास एक्स है, और इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं दो के इन दोनों में जो इंटू में होता है वो एक्स का स्क्वायर, तो ये रहा इसका स्क्वायर और चाहिए तो बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर, तो आप लोग प्लस कर दीजिए सॉरी, और अगर आपने माइनस किया है तो साथ ही प्लस किया है तो साथ ही उस चीज का माइनस भी आपको करना पड़ेगा, याद रखना। यहां पर इसको आप लोग लिख सकते हो, यहां पर ए इंटू ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर ये अपने पास है एक्स प्लस टू बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, प्लस अपने पास आगे जो लिखा हुआ है वो अपने पास लिखा हुआ है एलसीएम, अपने पास 4 ए स्क्वायर ले लो तो 4 ए सी माइनस अपने पास बी स्क्वायर, ये अपने पास आगे पहुंच जाएगा। जब इस ए का यहां पर इंटू करोगे आप लोग तो ए से इंटू करते ही ये अपने पास बन गया ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, ये चीज अपने पास, और यहां पर इंटू करोगे तो 4 ए सी अपने पास माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 ए, ये अपने पास यहां पर जब इंटू करोगे, ए यहां इंटू होगा तो ये बन गया, और यहां एक ए से ए अपने पास कट जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब न्यू चैप्टर मंडे या ट्यूसडे से शुरू करेंगे, नहीं के 2 दिन तो और में इसी के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मंडे से नया चैप्टर, ट्यूसडे से नया चैप्टर शुरू कर देंगे भाई। यहाँ पर मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर कि क्या कहीं पर अगर ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स का, मुझे बताओ मैक्सिमम मान कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स का मैक्सिमम मान कितना है तो आप कहोगे सर एक्स का मैक्सिमम मान अपने पास इन्फाइनाइट है, और एक्स का मिनिमम मान कितना है तो आप कहोगे सर माइनस इनफाइनाइट है। यहां पर ये जो अपने पास, अगर मैं बोलूं कि अगर एक्स छोड़िए आप लोग एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान कितना है तो आप कहोगे इनफाइनाइट है, और मुझे बताइए मिनिमम मान कौन सा है तो आप कहोगे सर 0 है। स्क्वायर की फॉर्म में मिनिमम मान माइनस इनफाइनाइट नहीं होता, मिनिमम मान कितना होता है, 0 होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कभी भी अगर एक्स का मान अपने पास एक्स स्क्वायर का, अलग से यूं ही क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान तो इनफाइनाइट है और अपने पास मिनिमम मान कितना होगा, 0 होगा, ध्यान रखना। अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू का मिनिमम मान बताइए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू का मिनिमम मान बताइए क्या है, तो आप लोग कहोगे सर इसका मिनिमम मान जो है वो अपने पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू का, सोचिए आप लोग, जैसे मैं बोलता हूँ कोई भी क्वेश्चन उसके बाद मैं लिखता हूँ तो पहले आप लोग जरूर सोचा करो, तो इसका मिनिमम मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर मिनिमम मान अपने पास 2 होगा, तो एक्स के कौन से मान के लिए होगा, एक्स के मान के लिए 0 के लिए होगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है एक्स माइनस अपने पास या एक्स प्लस थ्री या एक्स माइनस थ्री का अपने पास होल स्क्वायर, बताओ इसका मिनिमम मान कितना है, एक्स प्लस थ्री के होल स्क्वायर का मिनिमम मान कितना है, ये बात आप लोग बताइए, तो आप कहोगे सर एक्स प्लस थ्री के होल स्क्वायर का मिनिमम जो मान है वो अपने पास, इसका जो मिनिमम मान है वो अपने पास यहां से वो होगा अपने पास 0, और एक्स के कौन से मान के लिए, तो एक्स के कौन से मान के लिए, माइनस 3 के लिए।
यहाँ पर कुछ बच्चे जो नो आंसर दे रहे हैं, पंकज सिंह और कुछ बच्चे और जो नो आंसर दे रहे हैं, वो हमेशा ध्यान रखना कि इसका मिनिमम मान 0 होगा। याद रखना स्क्वायर की फॉर्म में कोई वैल्यू अगर है, ये स्क्वायर से बाहर था इसलिए मिनिमम मान इसका 2 है। ये अगर यहाँ पर मिनिमम मान एक्स प्लस 3 का स्क्वायर है तो मिनिमम मान 0 होगा, और 0 एक्स के कौन सी वैल्यू के लिए होगा, एक्स का मान -3 के लिए होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ। जैसे वो कहे कि एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर स्क्वायर प्लस 3, इसका मिनिमम मान बताइए कितना होगा, ये बात बताइए कि इसका मिनिमम मान कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताओ आप लोग क्या मिनिमम मान कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर इसका एक्स का जो मिनिमम मान होगा वो अपने पास 3 होगा, इस चीज का पूरे का मिनिमम मान 3 होगा, और मैं पूछूं एक्स के कौन से मान पर मिनिमम होगा, तो याद रखना एक्स के मान के लिए -2 के लिए मिनिमम होगा। यहाँ पर अपने पास स्क्वायर की फॉर्म की कोई भी चीज है उसका मिनिमम मान 0, क्योंकि 3 तो कॉन्स्टेंट है, सुबह शाम दोपहर कभी भी आप लोग रात को अलार्म लगाकर सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर फिर देखोगे तो 3 3 ही रहेगा, 3 कॉन्स्टेंट है, कभी देख लो धूप में रख लो छाया में रख लो 3 तो 3 ही रहेगा। यहाँ पर इसका मिनिमम मैक्सिमम मान और स्क्वायर के फॉर्म में मिनिमम मान होता है 0, तो 0 प्लस 3 अपने पास मिनिमम मान कितना आ गया 3, एक्स के कौन से मान के लिए, तो एक्स के मान -2 के लिए अपने पास ये आ गया। बोलिए ठीक है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, तो आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही ध्यान रखना इसका मिनिमम मान कितना होगा, इसका जो मिनिमम मान होगा तो आप कहोगे सर स्क्वायर की फॉर्म में ये तो होता है 0, इसका जो मिनिमम मान होगा वो अपने पास ये होगा, यहाँ पर मिनिमम जो वैल्यू होगी इसकी वो अपने पास होती है 4ac - b² / 4a, ये अपने पास इसका मिनिमम मान होगा, और मिनिमम किस एक्स के कौन से मान के लिए होगा, तो एक्स बराबर -b/2a के लिए ये अपने पास मिनिमम होगा। यहाँ पर 4ac इसका जो मिनिमम मान होगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो मिनिमम मान होता है वो होगा 4ac - b² / 4a, ये अपने पास मिनिमम मान होगा जो इसके साथ स्क्वायर के साथ प्लस में है, और इसका मिनिमम मान होगा कहाँ पर, जब एक्स का मान कहाँ पर हो -b/2a हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, ये अपने पास इसीलिए बनता है क्योंकि इसका मिनिमम मान हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है x² + अपने पास 4x + अपने पास 3, बताइए इसका मिनिमम मान क्या होगा। तो इसका मिनिमम मान अगर कोई भी हम लोगों से पूछे तो ये रहा मिनिमम मान जो अपने पास होगा, वहां पर ये जो मिनिमम वैल्यू अपने पास होगी ये अपने पास होगा 4ac - b² 4, a का मान यहाँ पर 1 है, c का मान यहाँ पर 3 है, 4ac - b² b का मान यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर 16, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं ये रट के, 4ac - b² / 4 a, तो 4 * a का मान 1 है, तो ये सोल्व करोगे तो 12 - 16 - 4/4, तो आंसर कितना आ गया, मिनिमम मान -1। इसका जो मिनिमम मान है वो कितना होगा, अपने पास -1 होगा, और मिनिमम मान -1 होगा कब, जब एक्स का मान क्या रखोगे -b/2a, कौन से मान के लिए अगर पूछे, तो एक्स का मान -b, b का मान यहाँ पर अपने पास 4 है, / 2a, a का मान वहां पर 1 है, तो -2 पर ये जो वैल्यू होगी वो अपने पास -1 होगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो मिनिमम मान होगा कितना, -1, और किस पर होगा, अपने पास -2 पर होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। लेकिन याद रखना जो भी बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनको ये बात पता होगी कि जब भी हम लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम अगर निकालना है तो हम लोग क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आपको याद है क्या, यहाँ पर ये तरीका क्वेश्चन आता तो इसलिए है क्योंकि इस फॉर्म में आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन जब भी आप लोगों से मिनिमम और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे तो d/dx हम लोग निकालते हैं और बराबर में हम लोग 0 पुट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करके बराबर में अगर हम लोग 0 पुट कर देंगे तो अपने पास यहाँ पर उससे अपने पास वैल्यू आ जाएगी, और वो अगर वापिस पुट करेंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना आप लोग भी सीख लीजिए, जिन बच्चों को नहीं आता वो कुछ चीजें रट लो क्योंकि ये चीज आपके याद नहीं रहेगी या आप भूल जाओगे, 4ac - b² / 4a, वहां पर अज्ञान के दिन आप लोग भूल जाता है बच्चा, तो ऐसे करने के बजाय अगर अपने पास डिफ्रेंशिएशन अगर करना है तो x³ अगर हो तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका होता है पावर एक पीछे आ जाती है और ये पावर एक कम हो जाती है, एक पावर पीछे और ये कम, जैसे 2 है तो यहाँ पर 2 पावर तो पीछे आ जाएगी और वहां से एक पावर कम हो जाएगी, जैसे एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन एक पावर पीछे और एक्स की पावर 0 यानी कि 1 होता है अपने पास क्योंकि एक्स की पावर 0 1 ही हुआ,
कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है, ध्यान रखना। अगर वन अपॉन एक्स हो तो वन अपॉन एक्स अगर हो तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। सर ये वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे हुआ? क्योंकि वन अपॉन एक्स को आप लोग एक्स की पावर माइनस वन भी लिख सकते हो, एक्स के वन अपॉन एक्स को। और ये क्या है, ये अपने पास है माइनस वन, पीछे अगर रखोगे तो माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू, ये लीजिए एक पावर पीछे एक पावर कम होगी, इसको माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन का सर इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो। अगर इस क्वेश्चन को अपने पास ऐसे अगर करना है तो अपने पास क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास फोर एक्स प्लस अपने पास थ्री, तो इसको पीछे लेकर आओगे तो टू एक्स प्लस अपने पास यहाँ पर फोर इक्वस टू जीरो, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा वो तो अपने पास टू एक्स होगा, ये अपने पास ओनली एक्स, एक्स का अपने पास कितना होता है वन, और एक्स का मान कितना होगा यहाँ से सोल्व करोगे तो माइनस फोर अपॉन टू का मतलब माइनस टू, तो ये अपने पास एक्स का मान आ गया है, और जैसे एक्स का मान आ गया वो यहाँ पुट कर दो तो अपने आप मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू अपने पास आ जाएगी, माइनस दो अगर रखोगे तो अपने पास यहाँ पर चार, माइनस आठ प्लस तीन, तो आंसर कितना आ गया माइनस वन, ये अपने पास इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, ध्यान रखना। एक बात जो मैं आपसे पूछना बताना या सिखाना चाह रहा हूं, याद रखना क्वाड्रेटिक फंक्शन की या तो मिनिमम पूछेगा या मैक्सिमम पूछेगा, या तो मिनिमम पूछेगा या मैक्सिमम पूछेगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है ना वो इस टाइप से बनता है, या तो अपने पास इस प्रकार से ग्राफ बनेगा या अपने पास इस प्रकार से, तो जो मिनिमम पूछेगा उस कंडीशन में मैक्सिमम नहीं पूछ सकता, उस कंडीशन में मैक्सिमम इनफाइनाइट होगी। मिनिमम अगर कभी भी पूछता है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैक्सिमम उस कंडीशन में इनफाइनाइट होगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। नहीं, तनिष्का एक बार ही डिफ्रेंशिएट कीजिए उसमें और उसको वैल्यू पुट कर लीजिए वहीं पर, वैसे तो रियल में तो डबल डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं, लेकिन आप तो एक बार ही वैल्यू पुट कीजिए और वहां पर या तो अपने पास एक पर मिनिमम आएगी एक पर मैक्सिमम आएगी, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस प्रकार से, तो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करके और फिर दो इक्वेशन, क्योंकि क्यों भी अपने पास द्विघात समीकरण बचेगी उसके बाद भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, उसमें बराबर जीरो रख के और दो मान निकाल लेना, एक से मिनिमम है एक से मैक्सिमम है, दोनों पुट कर करके देख लेना। तो यहां पर देख लेना डिफरेंशिएट करके या तो मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा, दोनों में से एक आएगा, घबराना मत कि सर ये तो चलो ठीक है मिनिमम आ गया, अपने पास मैक्सिमम पूछ ले तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी फिर इनफाइनाइट होगी, तो कभी या तो मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम पूछेगा, जैसे मिनिमम पूछ लिया आंसर आ गया तो इसमें मैक्सिमम नहीं पूछेगा, कोई कहे मैक्सिमम होगी कितनी तो मैक्सिमम इनफाइनाइट होगी, ध्यान रखना। अगर वो मिनिमम पूछ ले तो मिनिमम के बाद मिनिमम अपने पास आ जाएगी, मैक्सिमम इनफाइनाइट होगी, अगर वो मैक्सिमम पूछ ले तो तरीका यही होगा, प्रोसेस यही है, ये रखने पर मैक्सिमम आ जाएगी, उस क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू अपने पास माइनस इनफाइनाइट होगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। बिल्कुल सुशांत, अपने पास क्यूबिक इक्वेशन है नहीं, नहीं तो क्यूबिक इक्वेशन में लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा बिल्कुल यही आता है, क्योंकि उसमें ग्राफ तो अपने पास अलग टाइप का बनता है, उस चीज का मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगी मिनिमम माइनस इनफाइनाइट होगी वो, लेकिन लोकल मैक्सिमम और लोकल ये अपने पास आता है। ग्राफ वाला मैं ग्राफ बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी ग्राफ इस तरीके से आता है, या तो ऐसे होगा ऊपर जाता रहेगा एक जगह ऊपर से आएगा मिनिमम 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 एक जगह मिनिमम होके वापस मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगा, या फिर ग्राफ इसका ऐसे होता है, यहां से शुरू होगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, एक पॉइंट तक बढ़ेगा फिर वापस कम होना शुरू हो जाएगा, जबकि क्यूबिक इक्वेशन जो होती हैं उनका ग्राफ आपने देखा होगा इस प्रकार से अपने पास निकल जाता है, तो इधर भी इनफाइनाइट, इसीलिए उसमें लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम ऐसा आता है। डबल डिफरेंशिएट इंडिकेट करता है कि अपने पास अगर पॉजिटिव आ जाए तो वहां पर अपने पास मिनिमम होगा, मिनिमम नेगेटिव आ जाए तो वहां पर मैक्सिमम होगा, लेकिन वो शुभम यहाँ पर अपने काम का है नहीं, मैं इतना ही आपको, क्योंकि देखिए अपने पास तीन ही क्वेश्चन सब अल्जेब्रा के आने हैं, तीन में से भी बहुत कम चांसेस, पिछले 10 साल के पेपर अगर देखोगे तो उसमें से कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा 5-7 जगह, 10 साल में ही ज्यादा से ज्यादा 10 जगह ही पूछा होगा आपको मिनिमम और मैक्सिमम का जो कॉन्सेप्ट है
वो, और इसलिए मैं आपको बहुत गहराई में फिर डबल डिफरेंशिएट करके, नेगेटिव आए तो ये करना, पॉजिटिव आए तो ये करना, तो बहुत सारा टाइम होता है, जैसे प्री में बहुत सारा टाइम होता है, बैठे बैठे बताते रहो बताते रहो बताते रहो बच्चों को जितनी भी चीजें हैं, तो उस टाइम तो होता है, लेकिन अब इतनी ही चीजें अपने पास आनी है कि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें भी बहुत कम क्वेश्चन आया, और उसका अलजेब्रा के ही 3 क्वेश्चन आने, उसमें भी मिनिमम मैक्सिमम के आने के चांसेस कम है। तो बाकी करना मैं आपको बता दूं, जो भी पूछोगे वो मैं तो बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखिए, एक तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने पास, मुझे एक बात बताइए, ए एम ग्रेटर देन जी एम पर बेस्ड पूछता है, याद रखना अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अपने पास होता है ज्योमेट्रिक मीन के, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, याद रखना आप लोग। जैसे ए एम का मतलब अपने पास क्या है, ए एम का मतलब है दो संख्याएं अगर हैं, यहां पर ए और बी दो संख्याएं अगर हैं, तो ए एम का मतलब है ए प्लस बी अपॉन टू, और जी एम का मतलब है ये अपने पास रूट ले लीजिए, अगर 3 संख्याएं ए बी सी तो ए प्लस बी प्लस सी बाई अपने पास 3, और 3 संख्याएं हैं तो यहाँ पर आप लोग क्यूब रूट ले लीजिए ए इंटू बी इंटू सी, 4 संख्याएं अगर हैं तो ए एम का मतलब जो होता है वो अपने पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, और अपने पास इस चीज का जो मतलब होगा वो अपने पास होगा ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, जैसे अपने पास अगर कभी भी संख्या ए और बी है तो अपने पास यहाँ पर जैसे 4 और 9 अगर हैं तो ए एम का मतलब 4 प्लस 9 बाई 2 का मतलब 6.5 होगा, और जी एम का मतलब जो होता है वो अपने पास यहाँ से 4 गुना 9 36 का रूट अपने पास 6 यहाँ पर, या 5 और 5 अगर अपने पास हो तो अपने पास 5 प्लस 5 अपने पास बट्टे 2, तो अपने पास ये हो गया 5, और रूट लोगे तो रूट लेने के लिए 5 गुना 5 का रूट 5, तो ये जो ए एम है वो अपने पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपने पास जीएम होता है, तो इसका मान बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये बात आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब होता है एक्स का मान या तो 2 है या 2 से बराबर है, तो बताओ एक्स का मैक्सिमम मान कितना होगा, तो आप कहोगे 2 या 2 से बड़ा है तो सर मैक्सिमम मान इन्फाइनाइट होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्स का मैक्सिमम मान कितना है तो आप कहोगे सर मैक्सिमम मान इन्फाइनाइट है, और मिनिमम मान कितना है, मिनिमम मान 2 है, ये जो मान है वो 2 या 2 से बड़ा अपने पास है, ए बी सी डी, यहां पर ध्यान रखना ये ओनली तब लगता है जब ए बी सी डी अपने पास पॉजिटिव नंबर्स अपने पास होने चाहिए, ध्यान रखना ये सारे के सारे नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं सभी बच्चों से, मुझे बताओ उल्टा दिया हुआ हो कि जैसे कहीं पर लिखा हो एक्स लेस देन इक्वल टू अपने पास 2 है, एक्स का मान या तो 2 से छोटा है या 2 के बराबर है, तो अब की बार बताइए यहाँ पर मिनिमम मान पूछ सकता है क्या, अब 2 से छोटा तो माइनस इनफाइनाइट कहीं तक भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में एक्स का मैक्सिमम मान पूछेगा, तो एक्स का मैक्सिमम मान कितना है, 2 है, ध्यान रखना एक्स का मान 2 या 2 से छोटा है तो एक्स का मैक्सिमम मान 2 है, अगर ऐसे दिया हुआ है एक्स का मान या तो 2 या 2 के बराबर, अपने पास 2 से छोटा या अपने पास एक्स का मान 2 या 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब मैक्स मिनिमम मान कितना है 2। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो ए एम होता है अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होगा, ए एम पर ध्यान केंद्रित करना आप, ए एम या तो जी एम होता है या जी एम से बड़ा होता है, तो मैक्सिमम मान तो ए एम का कुछ भी हो सकता है, जी एम से बड़ा 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 कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जी एम, ए एम का मिनिमम मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर जी एम होगा, ए एम का मान ये जो ए एम है या तो जी एम के बराबर है या जी एम से बड़ा है, तो बड़ा तो आगे कुछ भी जा सकता है, जाता रहेगा, तो ए एम का मिनिमम मान क्या होता है, तो ए एम का मिनिमम मान जो होता है वो ध्यान रखना अपने पास जी एम होता है, या अगर अब आप लोग जी एम पर ध्यान केंद्रित रखोगे, अपने दिमाग को जी एम पर रखना, जी एम का मान या तो ए एम है या उससे छोटा है, तो छोटा तो कितना भी जा सकता है पीछे की तरफ, तो मैक्सिमम मान कितना है, तो जी एम का मैक्सिमम मान ए एम होता है, जी एम का मैक्सिमम मान जो होगा वो अपने पास कितना होगा ए एम, और ए एम का मिनिमम मान कितना होगा, अपने पास मिनिमम मान होगा जी एम, या आगे तो कहीं पर भी जा सकता है, ये इस साइड है तो बड़े से बड़ा मान तो कहीं पर भी आगे तक जा सकता है, तो आप लोगों को ये देखना है बड़े से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, तो ए एम का मिनिमम मान यहां जाके रुक जाएगा, क्योंकि ए एम इधर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, कितना भी बड़ा हो सकता है लेकिन जी एम से छोटा नहीं हो सकता, तो ए एम का मिनिमम मान कितना होगा, जी एम, जी एम इधर तो कितना भी जा सकता है, जी एम पीछे की तरफ तो खुला खुद जा सकता है, लेकिन इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, तो जीएम का मैक्सिमम मान कितना होगा, एएम, ये चीज आप लोग ध्यान रखना।
यहाँ पर कुंदन देखिए, कोई नंबर सिस्टम चाह रहा है, कोई अपने पास मेंचुरेशन चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है, आप मेरे अनुसार पढ़ाने दो, आप चिंता मत करो। लगभग चीजें अगर टाइम अपने पास पूरा रहा तो मैं सारी चीजें आपको पढ़ाते रहूंगा भाई। पहले टॉपिक वाइज करवा दूंगा और फिर मिक्स करके क्वेश्चंस करवा दूंगा, लेकिन वो हर बच्चे की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए तो आप मेरे अनुसार चलने दो, सारे टॉपिक आ जाएंगे। यहाँ पर अपने पास ये चीज, अब बात है कि सर ये ऐसा अगर कोई बच्चा सीखना चाह रहा है, ए और कॉमा बी है, अगर कोई बच्चा सीखना चाह रहा है कि सर ऐसा ये क्यों होता है एम ग्रेटर देन जी एम, तो ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो मुझे बताइए क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा क्या? ए माइनस बी का स्क्वायर, कोई भी चीज अगर कहीं पर स्क्वायर अपने पास है तो उसकी वैल्यू या तो जीरो होती है या जीरो से हमेशा बड़ी होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आपने बहुत रटा होगा ए एम ग्रेटर देन जी एम, तो अपने पास ये जो होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास जीरो। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान है वो आप कहोगे सर अपने पास टू ए बी, यहाँ पर दोनों तरफ टू ऐड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी आप लोग टू ए बी ऐड कर दो और इधर भी आप लोग टू ए बी ऐड कर दो, दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया टू ए बी। ये पहले होल स्क्वायर खोल लिया, होल स्क्वायर खोल के टू ए बी आगे ले गया, फिर से टू ए बी दोनों तरफ ऐड कर दिया है, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab। दोनों तरफ रूट करोगे तो a प्लस b का जो मान है वो मुझे बताइए क्या इसका 2√ab आ गया है क्या? और बताओ दो को नीचे ले आओगे a प्लस b बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √ab, इसलिए अपने पास am ग्रेटर देन अपने पास gm होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। 2 यहां से नीचे ले आए तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, ये लीजिए। एक बात और, आप लोग बना इसी से है लेकिन याद रखना, अगर कभी भी अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू अपने पास यहाँ पर कुछ भी आगे दिया हुआ है सी और हम लोगों से वैल्यू पूछी है, कि आप लोग बता दीजिए एक्स की पावर अपने पास पी इंटू वाई की पावर क्यू, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये देकर वो पूछे, तो यहाँ से ए एक्स अपॉन अपने पास पी बराबर आप लोग लिख दोगे बी वाई अपॉन अपने पास क्यू, और यहां से ये ए बी सी पी और क्यू न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2x+3y, 2x+3y इक्वल टू अपने पास 8 है और x की पावर 2 और y की पावर 3 का मान हम लोगों से पूछा है कि बताइए इसका मैक्सिमम मान कितना होगा अपने पास। तो ऐसा अगर कभी भी अपने पास पूछ ले तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं पावर कितनी है 2, तो अपने पास 2x/2 बराबर अपने पास 3y/3, यहां से सोल्व करके इस चीज को एक बार 10 मान लेता हूं मैं ताकि सही से समझ में आ जाए, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर अपने पास कितना होगा y, x बराबर y यहां पर पुट कर दो x की जगह y, तो 2y+3y इक्वल टू अपने पास 10 है, तो y का मान बताओ कितना आ गया है, तो आप बोलोगे 2, तो x का मान भी कितना आ गया 2, क्योंकि ये दोनों बराबर है, यहां पर पुट करो 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, इसका याद रखना आप लोग ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना। तो जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन है, ये बना तो उसी से है एम ग्रेटर देन जीएम से ही बना है, लेकिन इसको डायरेक्ट हम लोग याद कर लेते हैं तो कभी कभार हमारी हेल्प मिल जाएगी कि इन दोनों को बराबर करके वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, उससे एक्स का और वाई का दोनों का मान आ जाएगा और एक्स और वाई का मान दोनों का आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। लोकेशन समझना नहीं है, इसको याद करना है मेरे भाई। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कभी भी अगर ऐसे हो ए एक्स प्लस बी वाई, ऐसे शुरुआत में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, जेड में भी अपने पास ऐसा अगर कभी हो तो हमेशा ध्यान रखना एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू और जेड की पावर अगर आर दिया हुआ है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे ए एक्स अपोन अपने पास पी बराबर बी वाई अपोन अपने पास क्यू बराबर सी जेड अपोन अपने पास आर, यहां से हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे और वो वैल्यू या तो इसका मान देकर इसका पूछेगा या इसका मान देकर इसका पूछेगा, ये आप लोग याद रखना, कोई एक का मान देकर दूसरा आप लोगों से पूछता है। उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे आप लोग, और एक चीज ये भी आप लोग साथ ही ध्यान रखना कि अपने पास ये चीजें तो आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी जरूरी है कि एक्स प्लस वाई आता इसी से है, ये याद रखना x इंटू वाई का मैक्सिमम मान पूछे, तो अपने पास दोनों को जितना बराबर बराबर अगर रख सकते हो, वैसे am ग्रेटर देन gm ही लगता है इसमें, या अपने पास यहाँ से क्वाड्रेटिक लगवा लो, लेकिन ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कभी कभार हम लोग वैल्यू को बराबर बराबर अगर पुट करते हैं
तभी वैल्यू बढ़ना शुरू होती है, सबसे बड़ा मान तभी अपने पास आएगा। 5, 11 हो, 6, 10 हो, 7, 9 हो, 8 और 8, इन सभी को इंटू करेंगे तभी अपने पास यहाँ पर 0 आएगा, ध्यान रखना। तो ये 64 है, ये 0 है, ये 15 है, धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। तो ये चीज भी कभी कभार वैल्यू को हम लोगों को बराबर भी पुट करना पड़ सकता है, याद रखना। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, उससे आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। शुरुआत करते हैं, हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम के कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में आपको करवा देता हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा सही तरीके से। तो चलिए, दिखाई दे रहा है तो फिर सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने की कोशिश करो। चलो तो देखिए, आप लोग यहाँ पर 15 -3 - a का स्क्वायर का अधिकतम मान क्या होगा, तो 15 में से बड़ा घटाऊं, सीधी सोचिए, 15 में से बड़ा घटाऊं तो मैक्सिमम आएगा, या छोटे से छोटा घटाऊं तो मैक्सिमम आएगा। तो आप कहोगे सर छोटी से छोटी वैल्यू घटाइए, क्योंकि हमें घटाना है। आप लोग चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो कि 3a - a² मान लो, तो 15 - x², तो इसको हम लोग, इसका तो होता है 0 और ये होता है 2x, बराबर में आप 0 रखोगे तो x का मान 0। तो जो रखा है इसमें अपने पास, जिसको x माना है 3a - 1 बराबर 3a - a बराबर 0, या आप लोग डायरेक्ट वैसे ही सोचिए कि बड़े से बड़ा आपको घटाना पड़ेगा, 15 में से बड़ा घटाऊं तो मिनिमम अपने पास यहाँ पर मैक्सिमम आएगा, या 15 में से छोटा घटाऊं। तो आप कहोगे सर छोटी से छोटी वैल्यू आप घटाइए, तो 3 - a बराबर, अगर अपने पास 0 है तो ए का मान कितना होगा, 3, और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें अपने पास रेशियो पूछ लिया है 3a और b। तो 5 में से मैक्सिमम के लिए बड़े से बड़ा घटाऊं, या आप लोग से पूछू मैं छोटे से छोटा घटाऊं, बताइए। तो इसका मैक्सिमम मान अगर चाहिए, फाइनल मान मैक्सिमम चाहिए, तो 5 में से बड़ा घटाते रहोगे तब तो अपने पास छोटा बनता जाएगा। तो 5 में से छोटा घटाओ, और स्क्वायर के फॉर्म में छोटी से छोटी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 3a = b, तो a/b = अपने पास आ गया है 1/3, ये अपने पास आंसर आ गया है 133 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 134। वन थर्टी फोर करने की कोशिश करो, हमें इनटू अब की बार करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ये आप लोग क्या लिख सकते हो, अगर देखोगे √5 + x - अपने पास √3, और आगे वाले को मैं लिख देता हूं √5 - अपने पास x + अपने पास √3, x - अपने पास √3, अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं माइनस, तो ये देखिए इस चीज को ऐसे अपने पास लिखा जा सकता है। यहाँ पर अपने पास ये √5 और x + √-√3 को ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x होगा और प्लस का √3, यहां से माइनस दोनों जगह से कॉमन ले लिया है। इस चीज को मैं क्या करूंगा, आप a मान लूंगा, ये अपने पास a है, ये अपने पास b है, a+b और a-b, तो फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² यानी x - √3 का स्क्वायर। और इसके मैक्सिमम मान के लिए अब वही कॉन्सेप्ट लगा दो, द्विघात समीकरण क्यों बनाते हो, यहां से होल स्क्वायर करके द्विघात समीकरण बनाने के बजाय आप लोग क्या करोगे, यहां पर अपने पास इसी का मान मैक्सिमम मान के लिए छोटे से छोटा घटाना पड़ेगा, और इसकी छोटी से छोटी वैल्यू कितनी होती है, अपने पास 0। तो यहां पर पूछा है का मान, अधिकतम मान एक्स के कौन से मान के लिए,
तो एक्स इक्वल टू रूट थ्री के लिए तो आंसर अपने पास डी है। मान क्या होगा वो पूछे तो आंसर 5 है। यदि एक्स के कौन से मान के लिए तो एक्स का मान रूट थ्री, इसका पूरे का मैक्सिमम मान पूछे तो वो आंसर अपने पास 5 है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ध्यान रखना इसमें न्यूनतम मान पूछा है तो इसका मैक्सिमम मान नहीं पूछ सकता, इसका मैक्सिमम मान इनफाइनाइट होगा, इससे आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। चलिए न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से पूजा शर्मा वो तो कर लोगे आप जब कौन से मान के लिए न्यूनतम है, लेकिन खुद का ही मान पूछे तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि न्यूनतम मान तो कौन सा न्यूनतम मान है, तो फिर सारे के सारे रख भी नहीं पाओगे क्योंकि आपको एक्स का मान तो वहां पर दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 133 को तो क्या आप 135 को क्या आप लोग आसानी से खुद ही कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। आप कहोगे बिल्कुल सर इसको तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कीजिए, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो ये अपने पास होगा 8x माइनस अपने पास 2 बराबर अपने पास 0 है, तो 8x इक्वल टू अपने पास 2, तो x का मान कितना होगा 1/4। अगर ये पूछे कि x के कौन से मान के लिए तो 1/4 के लिए क्या क्या होगा उसका न्यूनतम मान, तो यहां पर पुट करो 4 × 1/16 माइनस अपने पास 2 × 1/4 प्लस अपने पास 5, ये 4 से 4 बार कट गया है, तो ये 4 − 1/4 आगे इनको सोल्व करने पर, और ये 20 में से 1 माइनस करोगे तो 19/4 ऑप्शन आ जाएगा ए, ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या। −b/2a से भी आप कर सकते हो, उसे एक्स का मान आएगा ध्यान रखना शुभम, वो अगर याद करना चाहो तो फिर ऊपर आएगा 4ac − b² / 4a, वो डायरेक्टली अपने पास 4ac − b² / 4a उससे करोगे तो डायरेक्ट ये मान आ जाएगा 19/4, लेकिन ये इससे कर लोगे तो ये हमेशा के लिए याद होता है, वो 4ac − b² / 4a काफी सारे बच्चे भूल जाते हैं उसको। मुझे बताओ अब की बार न्यूनतम मान इसको मैं स्किप कर दूं खुद कर लोगे क्या। यहां पर सेम टाइप के क्वेश्चन जो हैं उनको फिर मैं छोड़ देता हूं, अगर द्विघात समीकरण का क्वेश्चन क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए अब है, सेम न्यूनतम पूछे, देखिए पिछले में न्यूनतम पूछा है दूसरे में मैक्सिमम पूछा है, लेकिन मैक्सिमम की भी प्रोसेस वही होगी, ये अपने पास 0 तरीका वही होगा, अपने पास 2x + 2 बराबर अपने पास 0 है, तो एक्स का मान सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 1, और 1 अगर पुट करोगे तो 20 − 1 + 2 तो आंसर जो आ गया 22 − 1 आंसर 21, तरीका अपने पास वही होगा, अब की बार मिनिमम नहीं पूछ सकता, मिनिमम अपने पास माइनस इनफाइनाइट होगा ध्यान रखना आप लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, इंटू करना है और आपको इंटू करते ही द्विघात समीकरण बन जाएगी। चलो इसको आप लोग सोल्व करो, 139 को क्या चाहता है ये, क्वेश्चन नंबर 139 सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। हाँ दोनों का तरीका फॉर्मूला सब कुछ सेम है, या तो मिनिमम या मैक्सिमम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें अपने पास लिखा हुआ है द्विघात समीकरण x²−p − 3x + p − 8 के मूलों के वर्गों के योग योग का न्यूनतम मान, इनके मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहां से अपने पास होगा p माइनस अपने पास 3, माइनस का b/a होता है ये लो क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ, और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा p − 8, तो यहां से मूलों के वर्गों के योग का मूल ये, इनके वर्गों का योग क्या होगा, तो इसके स्क्वायर क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर अपने पास p² प्लस अपने पास 9 − 6p, और मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम लोगों से पूछा है, तो ये अल्फा बीटा का मान रखोगे तो 2p − अपने पास 16 बराबर अपने पास p² + 9 − 6p, हम लोगों को तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सिर्फ चाहिए, जो भी बाकी की चीजें हैं उनको आगे ले जाओ, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ये हो जाएगा p² − अपने पास 8p,
और प्लस का 16 अगर इसमें ऐड करोगे तो 16 और 9 25, और इसको सोल्व करने का तरीका वापिस ये द्विघात समीकरण अपने पास बन गई है, तो ये कितना होगा 2p माइनस अपने पास 8 इक्वल्स टू 0, तो p का मान यहां से मुझे बताइए क्या 4 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, तो p का मान नहीं पूछा हमें, तो इसका मिनिमम या मैक्सिमम मान पूछेगा, तो इसका मिनिमम मान 4 का स्क्वायर 16 माइनस अपने पास 32 प्लस का अपने पास 25, 25 और 16 ऐड करोगे तो 41 माइनस 32, तो आंसर अपने पास आ जाएगा 9, सी ऑप्शन आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो पी का मान पूछे तो अपने पास 4 होगा कि कौन से, लेकिन पी का मान पूछ नहीं रहा इसने, तो इसका न्यूनतम मान पूछा है, तो आंसर अपने पास आ गया है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा अगर कभी भी अपने पास एक्स एक द्विघात धनात्मक संख्या है और ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आया तो याद रखना एक्स प्लस 1/x को आप लोग यहाँ पर बाई टू और इंटू करके, इसका मान 2 या 2 से हमेशा बड़ा होगा, तो इसका मिनिमम मान कितना होता है 2, ध्यान रखना। क्यों होता है सर? क्योंकि आप लोग यहाँ पर रूट करोगे एक्स इंटू 1/x, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगा रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, तो am का मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, gm का मतलब रूट आपको लेना है, तो मुझे बताइए ये तो 1 हो गया, तो यहां से इसको अगर सोल्व करते हो तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन ये 1 हो गया, 2 से इंटू करोगे तो इसका मिनिमम मान या तो 2 या 2 से बड़ा है, तो मुझे बताइए मिनिमम जो मान होगा वो क्या 2 होगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा, एक नहीं हो रहा विश्वेंद्र, दरेडा एक कैसे होगा भाई, 2 होगा। अब मुझे बताओ पिछले क्वेश्चन में तो हमें लिखने की जरूरत थी कि एक्स का अपने पास एक्स एक वास्तविक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर की फॉर्म में हमें लिखने की जरूरत है ही नहीं, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम अपने पास यहाँ पर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और इनको इंटू करने पर अपने पास अच्छी बात ये है कि 1 बन रहा है, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मिनिमम मान जो अपने पास होगा वो तो अपने पास 2 होगा, और मैक्सिमम मान तो इनफाइनाइट, तो मिनिमम मान 2 है, और मैक्सिमम तो 1 रखोगे 2 रखोगे 3 रखोगे 4 5 6 7 8 9 10, जैसे जैसे रखते जाओगे वैसे वैसे कितना भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, वो तो आपकी मर्जी है जितना उसको बढ़ा सकते हो। जब अपने पास हिमांशु ऐसी संख्याएं हो जहां पर इंटू करने पर अपने पास 1 हो जाए, वहां पर आप अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा देना, और यहां पर डिफरेंशिएशन तो सिर्फ द्विघात समीकरण में आप लगाना, डिफरेंशिएशन जो है उसको सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण के लिए बचा के रखना आप। यहां पर ये जो अपने पास है इनकी जगह ध्यान रखना ये भी आ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1/x² + 2 ये भी अपने पास आ सकता है, तो यहां पर यही आपको करना है एम ग्रेटर देन जीएम आप लोगों को लगा लेना है, जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन हो अर्थमेटिक मीन अपने पास 1/x² + 2, और यहां पर अपॉन में अपने पास 2 होगा, और यहां पर दोनों को इंटू करोगे तो रूट के अंदर 1, 2 आगे चला जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे आए, और नॉर्मली क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में यहां पर 2 लिखा हुआ नहीं मिलता, 1/x² + 2 ऐसे ही मिलता है वो, तो आप क्या करोगे ये अपने पास जो है इसके साथ प्लस का 2 कर दो, और अकेला प्लस का 2 किया तो माइनस का 2 भी करना पड़ेगा, और इसका अपने पास मिनिमम मान कितना होता है 2 माइनस 2, तो फाइनल आंसर फिर आ जाएगा अपने पास 0। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, 142 आप लोग कीजिए, 142 ए का मान रूट 2 से बड़ा है, और ए स्क्वायर प्लस 1/a² - 2, तो हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस अपने पास 1/a² - 2 प्लस का अपने पास 5, तो यहां पर क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2 है तो ए एम ग्रेटर देन जी एम जब आप लोग लगाओगे तो यहां पर माइनस का 2 कर लो और साथ प्लस का 2 करना पड़ेगा, अगर प्लस किया है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस किया है तो प्लस करना पड़ेगा, ध्यान रखना आप लोग। अब इसमें यहां पर ये जो बन गया है वो बन गया ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a² - 2, और आगे वाला तो अपने पास है 7, तो ये तो अपने पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, मिनिमम या मैक्सिमम मान जो है वो तो इसका हो सकता है, और इसका मिनिमम मान अभी भी मैं बता कर आया हूं, ऐसी चीजें जहां पर भी अपने पास आए आप लोग एम ग्रेटर देन जी एम आप लोग लगा लो, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a² - 2 डिवाइड कर दो आप लोग 2 से, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और इंटू करोगे दोनों को तो 1 आना है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a² - 2 का जो मान है वो तो मिनिमम मान अपने पास कितना आ गया है, वो आ गया अपने पास 2।
तो ये अपने पास दो है, ये अपने पास सात है, सात और दो आंसर कितना आ गया अपने पास नौ। ऑप्शन कौन सा है? डी, ये अपना आंसर है। क्या अगला सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, 143 प्लस वन माइनस वन आप कर दो तो माइनस दो आंसर आ जाएगा, क्या कर पाओगे? क्या एक्स स्क्वायर यहां पर प्लस वन और साथ ही अपने पास प्लस वन अगर कहीं पर किया है तो साथ माइनस वन भी करना पड़ेगा, और ये जो होता है इसका अपने पास यहां पर दो है ही, ये वाली जो चीज है इसका दो आंसर है ही, तो दो माइनस चार आंसर कितना आ जाएगा? माइनस दो, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसका पूरे का मान यहां पर एक्स का मान जीरो होना चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि क्या हमें वहां पर बनाना है। हाँ प्रीवियस ईयर सेम के बिना सारे लगा सकते हो, सारे हो जाएंगे भाई आपसे, लेकिन ये जो मेरी फाइल है इसको आप लोग जरूर यहां पर दो बार लगाना भाई। मेंस के बच्चों एक दो बार पहले भी किए होंगे, एक बार दो बार फिर से लगाना, फिर आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम मान क्या होगा? तो अपने पास ऐसा अगर पूछा है अधिकतम मान, तो देखिए क्वेश्चन उल्टा है। यहां पर सभी जगह एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर दो अपॉन एक्स की पावर 8 प्लस 1, सभी जगह एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर दो। यहां पर एक्स की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो 1, यहां पर एक्स की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो एक्स की पावर 4, और यहां पर डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो मुझे बताइए अपॉन में जब आप लोग मिनिमम लिखोगे, इस पूरे का मान तो मैक्सिमम चाहिए, इसका मान मैक्सिमम तब आएगा जब इसका मान आप लोग मिनिमम लिखोगे, और मुझे बताओ इसका मान मिनिमम रखने पर जब भाग दोगे तो फाइनल आंसर अपने पास मैक्सिमम आना है, और इसका मिनिमम मान क्या अपने पास 0.5 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसका मान मिनिमम रखोगे तभी तो उसका मान मैक्सिमम आएगा, बोलिए ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 146 में यहां पर देना चाहिए ए बी सी ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन जीरो है, ए कोमा बी कोमा सी आपने पास सारे ग्रेटर देन जीरो है, ये इसको लिखना चाहिए जो कि लिखा नहीं है। तो अब अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो सर हम लोग कैसे लगाएंगे? ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आ गए तो हमेशा ध्यान रखना आप वन 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 पुट कर दो, एक 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 तीन और तीन नौ, तीन गुना तीन आंसर कितना आ जाएगा? नौ, सभी का मान वन 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 आप लोग पुट कर दिया करो ऐसे क्वेश्चंस में। लेकिन आपको अगर सिस्टम से करना है तो फिर आप लोग ए प्लस बी प्लस सी इसमें लगाइए, ओनली ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, और क्यूब रूट के अंदर अपने पास होगा रूट ए बी सी, क्यूब रूट के अंदर ए बी और सी। तो यहां से मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी का जो मान होगा यहाँ पर वो होगा अपने पास यहाँ से क्यूब रूट के अंदर थ्री इंटू क्यूब रूट के अंदर अपने पास ए बी और सी। सेम आप लोग यहाँ पर ए एम ग्रेटर देन जी एम पहले तो अपने पास इन तीन में लगा दिया, फिर आगे वाले तीन में आपको लगाना है। दूसरी कंडीशन हम लोग ये बनाएंगे, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी अपॉन अपने पास थ्री है, और अपने पास यहां से क्यूब रूट के अंदर आएगा, क्यूब रूट के अंदर आएगा थ्री ए वन अपॉन ए वन अपॉन बी और वन अपॉन सी, वन अपॉन ए इंटू वन अपॉन बी इंटू वन अपॉन सी। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? तो इसको आप लोग लिख सकते हो वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, और ये जो अपने पास है ये वन अपॉन क्यूब रूट ए बी सी है, क्यूब रूट ए बी सी, क्योंकि वन पर तो क्यूब रूट कुछ भी ओपन नहीं आएगा, नीचे वाला तीन यहाँ इंटू करोगे तो ये तीन है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, और इधर अपने पास कितना आ जाएगा? तीन का तीन से गुना होकर नौ, और बाकी ये वाला नीचे है ये वाला ऊपर है कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? नौ। ये अपना पूरा प्रोसेस होता है, ध्यान रखना आप लोग। तो ये था ए एम ग्रेटर देन जी एम, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आ जाते हैं, याद रखना कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी अपने पास बन जाते हैं। वैसे ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इधर तो अपने पास आएगा ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड। यदि अपने पास हो ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर अपने पास सी की पावर जेड, एक तो ये हो,
और ए बी, ए इंटू बी इंटू सी, इन तीनों का प्रोडक्ट या दो का प्रोडक्ट किसी तीसरे के बराबर, इन तीनों का प्रोडक्ट या दो का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर, या ऐसा क्वेश्चन कभी कभार अगर मिले तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बराबर में हम लोग के मान लेते हैं। तो ए का मान फर्स्ट और थर्ड से ए बराबर क्या होगा, तो ए का मान होगा के की पावर 1/x, बी का मान क्या होगा तो के की पावर 1/y, और सी का मान क्या होगा तो के की पावर 1/z। ये जब आप लोग यहां पर पुट करोगे, ए का मान आप लोग पुट करोगे के की पावर 1/x, बी का मान के की पावर 1/y, और सी का मान के की पावर 1/z बराबर 1 है। तो सेम बेस अगर हो तो पावर ऐड हो जाती है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर अपने पास बनेगा के की पावर 0। यहां पर ध्यान रखना किसी की भी पावर 0 1 ही होता है, तो इसको 1 को के की पावर 0 बेस से बेस हट जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना बन गया अपने पास 0। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, बी, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या। तो यहां पर कभी भी एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है जिसमें अपने पास आगे मल्टीप्लाई दिया हुआ मिलेगा, जैसे बी स्क्वायर बराबर ए सी दे देगा, सी स्क्वायर बराबर ए बी दे देगा, यहां पर ये देने के बाद ये मिलता है। दूसरा एक क्वेश्चन अपने पास यहां पर सीधा सीधा ए इंटू आगे कुछ नहीं दिया हुआ, एक्स के बराबर वाई की पावर ए, ये जो गिवन है एक्स बराबर वाई की पावर ए, वाई बराबर जेड की पावर बी, और अपने पास जेड बराबर एक्स की पावर सी, इसका आंसर बताइए। चलिए सोल्व कीजिए। पावर 0 हो तो 1 होगा, वही तो अपने पास है। 0 की पावर 1 नहीं होगा पूजा शर्मा, यहां पर बराबर 1 दिया हुआ है, तो 1 के लिए हमारे पास k की पावर 0 होगा। 0 की पावर 1 तो अपने पास क्या होगा, 0 की पावर 1 तो 0 होगा पूजा शर्मा, यहां पर k की पावर 0 होगा, उसको 1 लिखोगे, और इधर अपने पास k की पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z है। k की पावर 0 1 होता है, तो इसका मान k से k हटके वो अपने पास इसका मान 0 आ जाएगा, बी ऑप्शन। नहीं, वहां पर तनिष्का इसमें नहीं पूछेगा कौन सी वैल्यू के लिए, इसमें अपने पास पीछे वाले जो क्वेश्चन है इनके लिए तो ए का मान 1 जैसे, इसके लिए अगर अपने पास पूछे तो फिर एक्स का मान 1 1 होता है इसमें, यहां पर एक्स का मान अलग होगा। ये जैसे x -1 का मान 0 होना चाहिए, तो x का मान 1 होना चाहिए, तो x -1 बराबर 1, तो x ये मान 2 के लिए, ये यहां पर इसका मान 1 होना चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस 1 का मान 1 होना चाहिए, इसका मतलब x का मान 0 के लिए। तो ऐसे तो आप इनका मान 1 बनाना है, मतलब आपको तो इसका मान 2 बनाना है, वो आपको खुद को देख लेना है। इसका मान अपने पास -2 +2 करने के बाद इसका मान 1 होना चाहिए, तो ये के मान 3 के लिए, ऐसे आप सोच सकते हो। ध्यान से सुनना आप लोग ना, एम के बिना ऐसे तो 1 कैसे पुट कर सकते हो, 1 से तो हर कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, 1 पुट करने के बाद हर कंडीशन, 2 पर भी आना चाहिए, 3 पर भी आना चाहिए, 4 पर भी आना चाहिए। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कहीं से आप मान रखना शुरू कर दो, जैसे ये जो तो दिया हुआ है जेड बराबर एक्स की पावर सी, तो मुझे बताओ x का मान क्या रख सकते हो आप, z बराबर अपने पास यहां पर x की पावर c है, z का मान आप लोग यहां से x की जगह क्या लिख सकते हो, तो यहां से x की जगह y की पावर a लिख सकते हो आप, y की पावर a, ये सिर्फ x की जगह, और इसके ऊपर c जो चल रहा है वो चलने दो, अपने पास z की पावर y की पावर a की पावर c, तो यहां पर अपने पास ये हो गया। आगे आप लोग y का मान क्या रख सकते हो, y का जो मान यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं सभी सभी लोग, y z बराबर y का मान बताओ क्या रखोगे, तो आप कहोगे सर y का मान z की पावर b रख दूंगा मैं, z की पावर b, ये तो y की जगह है, इसके ऊपर पावर कितनी है, इसके ऊपर पावर a है, और उसके ऊपर पावर कितनी है, उसके ऊपर पावर c है अपने पास, ये दिया हुआ था। सबसे पहले मैंने इसको ऐसे कैसे रख लिया है, x की जगह यहाँ पर y की पावर a, फिर y की जगह z की पावर b, पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, आपको पता होगा जेड बराबर जेड की पावर ए बी सी इंटू जाएगा, तो
तो ये जेड की पावर इधर वन, बेस से बेस हट जाएगा, तो ए बी सी का जो मान आ गया है वो मुझे बताइए क्या वन आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे कि अपने पास ए इंटू बी इंटू सी का मान अपने पास क्या होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये सुमित क्या अजीब सी वैल्यू आप रख रहे हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने पास फिर से वही आ गया जो अभी भी किया था, ए इंटू बी इंटू सी बराबर वन आ सकता है, अब की बार बी स्क्वायर बराबर ए सी दे दिया, चलिए सोल्व करो। हाँ मनीष लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 149 जो है उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। कुलदीप रिजल्ट के बाद आपको 20 दिन भी मिल सकते हैं, 25 दिन भी मिल सकते हैं, 1 महीना भी मिल सकता है। तुरंत रिजल्ट के बाद एग्जाम 20-25 दिन में हो सकता है भाई, तो एग्जाम मार्च 15 के आसपास होगा तो एकदम सही टाइमिंग रहेगा। बाकी तो डेट आने पर ही पता लगेगा एसएससी क्या डेट डालता है। ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड और बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये अगर कभी भी ऐसा दिया हुआ मिले, बी की पावर वाई बराबर अपने पास सी की पावर जेड, तो इसके बराबर में आप लोग के मान लिया करो, और बराबर में के मान लिया तो ए बराबर के की पावर वन अपॉन एक्स है, बी बराबर के की पावर वन अपॉन वाई है, और अपने पास सी बराबर के की पावर वन अपॉन जेड है। ये अपने पास जो दिया हुआ है बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो यहां से बी का मान ये रहा। अब यहां से देखते हैं आपको टू अपॉन वाई बराबर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड आपको समझ में आ जाना चाहिए। कैसे सर? यहां पर बी की पावर दो है तो बी की जगह ये रखोगे के की पावर वन अपॉन वाई की पावर दो बराबर के की पावर वन अपॉन एक्स इंटू के की पावर वन अपॉन जेड। तो यहां से के की पावर टू अपॉन वाई बराबर के की पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड, तो ये जो अपने पास है बेस से बेस अपने पास हट जाएगा, टू अपॉन वाई बराबर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड। इसने वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड का मान ही पूछा है तो सी अपने पास आंसर आ गया, टू अपॉन वाई। यहां पर कभी कभार बी स्क्वायर बराबर ए सी देने के बजाय इनका मान 2 3 7 ऐसे कुछ दे देगा, या 2 7 14 दे देगा, फिर उस कंडीशन में हमें पता होगा कि 2 × 7 = 14 न्यूमेरिक वैल्यू दे देता है। ऐसे क्वेश्चंस भी अपने पास आ जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कि जेड का मान बताओ, चलो करने की कोशिश करो। जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, देखिए 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y, 4 की पावर y इक्वल्स टू 12 की पावर z बराबर आप लोग k मान सकते हैं, तो यहां से आपने पास 3 बराबर k की पावर 1 अपॉन x, यहां पर 4 बराबर k की पावर 1 अपॉन y, और यहां से 12 बराबर k की पावर 1 अपॉन z। 3 × 4 = 3 × 4 = अपने पास 12 है, और ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3 की जगह k की पावर 1 अपॉन x, 4 की जगह k की पावर 1 अपॉन y, और 12 की जगह k की पावर 1 अपॉन z। यहां से मुझे बताओ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y बराबर क्या 1 अपॉन z आ जाएगा क्या? तो यहां से x into y ऊपर x plus y बराबर 1 अपॉन z है, तो जेड का मान एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, क्या सी ऑप्शन आ गया? बोलिए ठीक है क्या? कभी कभार ये अपने पास यहां पर 3 4 5 दे देगा। यहां पर अगला क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 151।
ये ए इंटू बी इंटू सी बराबर 144 भी इसने आपकी बार दे दिया है। कभी कभार आप लोगों के पास यहाँ पर बराबर में 3 × 7 = 27 बराबर 81 भी है, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। इस पर ए बी और सी का मान अगर पूछे तो 3 × अपने पास बराबर 81, 3 × 27, लेकिन ये जो क्वेश्चन अपने पास बना हुआ है आगे ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी बराबर 144, तो ध्यान रखना इसको आप लोग 3 की पावर a, इसको 3 की पावर आप लोग 3 b और इसको 3 की पावर 4 c, अपने पास यही आप लोग लिख सकते हो। तो यहां से ए बी सी का एक रेशियो अपने पास बन जाएगा। इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो ए बी और सी, क्योंकि बेस से बेस हट गया, ए बराबर अपने पास 3 b बराबर 4 c, और ए बी सी का रेशियो अगर बनाना है, या आपको पता होगा 3 अगर है रेशियो बनाना तो एलसीएम से डिवाइड करो, ये अपने पास 12, ये अपने पास 12, एलसीएम से डिवाइड अगर करोगे तो ए बी और सी का जो रेशियो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 12:4:3। और रियल वैल्यू अगर रखनी है इनकी तो हम लोग रख सकते हैं, ये अपने पास 12 k है, ये अपने पास 4 k है और ये अपने पास 3 k है। तो ये आप लोग यहाँ पर ए बी सी की जगह आप लोग रख सकते हो, ए की जगह आप लोग 12 k, बी की जगह आप लोग 4 k और सी की जगह आप लोग 3 k, बराबर 144 अगर है तो यहाँ पर 12 से 12 × 4 × 3 144 कट गया, तो के क्यूब बराबर अगर 1 है तो के का मान आ जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा, तो इनकी रियल वैल्यू 12, 4 और 3 यही आ गई। अब हम लोगों से वो चाहता है कि सोल्व करो इसको, 12 × अपने पास यहाँ पर 1/a यानी 1/12 प्लस 1/4 रख दोगे तो अपने पास 8 और यहाँ पर 3 रख दोगे तो अपने पास 15, एलसीएम 12 आ गया, ये 15, ये अपने पास 10 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 12 से कट गए 10 बार, ये 23 और 10 33/ अपने पास 10, ये अपना आंसर आ गया, ऑप्शन कौन सा आ गया, सी। तो एक तो वो क्वेश्चन बनता है कि बराबर में आप लोग के मान लो या 2 × यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन इस चीज को दोनों तरीके से आप लोग ध्यान रखना, दोनों तरीके से आप लोग याद रखना। तो अपने पास एक क्लास जो है मैं, और इसके जो कॉन्सेप्ट है ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, x² = y + z, इसके बराबर k मान लो, वैल्यू पुट करो, अपने आप आपके पास सोल्व हो जाएगा। एक क्लास मंडे को हम लोग और पढ़ लेंगे, फिर एक नए चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करेंगे, दो एडवांस के, दो अर्थमेटिक के चैप्टर, फिर दो एडवांस के, दो अर्थमेटिक के, और जैसे ही डेट आपकी अगर एसएससी ने जैसे अनाउंस करेगा उस सेम डे ही हम लोग फिर अगले दिन से हम लोग शुरुआत कर देंगे प्रैक्टिस करने की, क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चंस करने की। पर बात 127 तो इसमें नहीं है बे, फाइल में, यहाँ पर अपने पास फाइल में शुरू हुए हैं क्वेश्चन है 127 इसमें, ये रहा मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर 127 नंबर जो क्वेश्चन है, x + y + z का होल स्क्वायर कर दो भाई, x + y + z = अपने पास 19 है, तो आप क्या करोगे यहां से होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर करोगे तो x² + y² + z² + 2xy + अपने पास yz + अपने पास zx बराबर 3 का स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर 361, ये इसका मान आपके पास ऑलरेडी है 133, यहां पर 2 × यहां पर दिया हुआ है x × z = y² xy + yz, x × z = y² यहां पर पुट कर सकते हो, बराबर 361। जिस बच्चे ने, एक ने पूछा है उसको मैं बता दूं, यहां से अगर आप लोग y कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा x + y + z, और ये अगर माइनस करोगे तो अपने पास 8 2 और अपने पास यहां पर कितना होगा 228। x + y + z का मान 19 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 19 अगर रखोगे तो यहां से y का मान आ जाएगा, यहां पर y का मान कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 19 रखते ही 228 / अपने पास यहां से 38, तो ये अपने पास y का मान मुझे बताइए क्या 6 आ गया है क्या, यहां से y का मान अपने पास 6 आ गया है, तो इसका मतलब अपने पास x × z = अपने पास 36 है, और यहां पर y का मान 6 रखने पर x + z का मान 6 अगर रखते हो आप लोग तो 13 है,
इसका मतलब मुझे बताइए, जेड और एक्स का मान क्या अपने पास यहाँ से 9 और 4 हो सकता है क्या? 9 और 4, तभी तो अपने पास 13 और ये आएगा, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है? तो अंतर है अपने पास 5 का, जेड और एक्स के बीच में, ये अपना आंसर आ जाएगा 127, ऐसे करना है। हाँ, वैल्यू पुटिंग से भी सोच सकते हो, बिल्कुल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सो रात।